नगर निगम महापौर का चुनाव लड़ रहे भाजपा के महापौर पद प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार का व्यापक जनसंपर्क जारी है। शहर के सर्वांगीण विकास के वायदे के साथ महापौर पद प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने उत्तर मध्य विधानसभा के विभिन्न वार्डों में तूफानी जनसंपर्क करते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि महापौर बनने के बाद वह शहर का बेहतर और समग्र विकास करेंगे। नगर निगम महापौर के लिए भाजपा से चुनाव मैदान में उतरे महापौर पद के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार का तूफानी जनसंपर्क जारी है। महापौर पद प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार और उनके सैकड़ों समर्थक लगातार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर शहर के समग्र विकास का वायदा करते हुए सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा महापौर पद प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार और उनके समर्थकों ने उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में वाहन रैली निकाली और जनसंपर्क किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद पद के प्रत्याशी भी उनके साथ मौजूद रहे। आज जबलपुर के हृदय स्थल अमानिया गेट के अंदर कोतवाली क्षेत्र का जनसंपर्क हो रहा है। मेरे साथ हमारे पूर्व मंत्री माननीय शरद जैन जी भी हैं और यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और यहाँ की हमारी प्रत्याशी बहन हमारे साथ हैं। आज हनुमान ताल आदि क्षेत्र के सघन जनसंपर्क होगा और उसके बाद में फिर इसी क्षेत्र में दिन भर का कार्यक्रम है। महापौर पद प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने जनता को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिला तो महापौर बनने के बाद शहर के विकास में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीमती कविता रजवार का कहना है